अजमेर के किशनगढ़ में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए नगर परिषद में कनिष्ठ लिपिक मोहन पाराशर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। एसीबी ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि पट्टा बनाने की एवज में परिषद का बाबू उससे रिश्वत मांग रहा है, जिसका सत्यापन करवाया गया तो मामला सही पाया गया। परिवादी से बाबू ने 20,000 रुपए की मांग की, लेकिन आखिर में मामला 15,000 रुपए में सेटल हो गया। ऐसे में जैसे ही परिवादी ने बाबू मोहन पाराशर को पैसे थमाए, वैसे ही एसीबी ने उसे धर दबोचा। फिलहाल एसीबी बाबू से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई पार्षदों के नाम सामने आने की संभावना जताई गई। ये जो परिवादी मुरली प्रजापत जो है, इनके द्वारा शिकायत एसीबी में प्राप्त हुई थी कि भूमि के पट्टे के नियम को लेकर रिश्वत की मांग की गई, और नगर परिषद किशनगढ़ के LDC मोहनलाल पाराशर जो है, उनके द्वारा 15,000 रुपये की मांग की गई, जिसका सत्यापन जो है 26 तारीख को किया गया। और आज मदन दान जी एडिशनल SP जो है।